भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। वहीं भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा इस बार काफी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस बार भारत के पास जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम का परफॉर्मेंस पिछले 6 से 8 महीने में काफी खराब रहा है, क्योंकि उनके 2 बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को 1 साल का बैन लगाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर बैन बॉल टेम्परिंग विवाद के चलते लगा, जो इसी साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में हुआ। जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं और वो साफ तौर पर मैच के दौरान स्क्रीन पर भी दिखा, और उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर बैन लगा दिया। ऐसे में हाल ही में जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ तौर पर यही फैसला लिया है कि वार्नर और स्मिथ पर लगा बैन वो कम नहीं होगा, तो विराट ने इस पर जवाब भी काफी हैरानी भरा दिया। दरअसल विराट ने कहा कि हर किसी ने देखा है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि उन पर बैन किसी और ने लगाया है, और जो भी सिनेरियोज हैं या जो भी सबूत हैं वो लोग बेहतर जानते हैं, तो मैं इन चीज़ों में कमेंट नहीं कर सकता। विराट के सबसे बड़े दुश्मन स्टीव स्मिथ पर बैन लगा है और विराट ने कुछ नहीं कहा, ये भी एक दिलचस्प बात है। भाई, कप्तान बनने के बाद चेंज तो आ ही जाता है और विराट में ये कामनेस दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।